बिहार से हज पर जाने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। इस बार 5638 हज यात्री हज के लिए रवाना होंगे, जिसको लेकर हज कमेटी की तरफ से तैयारी भी शुरू हो गई है। अब की बार पटना जिला से सबसे ज्यादा और शेखपुरा जिला से सबसे कम लोग यात्रा करेंगे। सफर को आसान बनाने के लिए हज कमेटी ने नई व्यवस्था की है। बहुत हम लोग तो बहुत दिनों से ख्वाहिश थी, तो कोरोना की वजह से जा भी नहीं सके थे, तो इस बार मौका मिला, अल्लाह ने दिया मौका, तो इंशाल्लाह हम लोग दोनों को ही अपने इवन हम लोग अपनी खाला और खालू को भी लेकर जा रहे हैं साथ में, इसलिए हम लोग चार लोग जा रहे हैं। अल्लाह से इबादत करेंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल सभी के लिए, बिहार के लिए अपने, क्योंकि यहीं के हम हैं, तो इंशाल्लाह सब जगह तरक्की हो, हर के हर मुसलमान हर जो भी कौम के लोग हैं हर कोई खुशी अमन हो इंडिया में। और अप्रैल खत्म होते ही हज यात्रा की शुरुआत होगी। अब की बार केंद्र और बिहार सरकार ने आजमीन हज को कई रियायत देने के साथ साथ सुविधा भी देने की कोशिश की है। अब हज पर जाने वाले यात्रियों को सरकार कैश के बजाय कैशलेस कार्ड उपलब्ध करा रही है, साथ ही हज यात्रा के दौरान खर्च करने की सीमा को भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसका जो आपका हेल्थ रिपोर्ट वगैरह जो बनता है उसके कई जगह इन्होंने सेंटर्स खोल रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स हैं जहाँ पे आपको तकलीफ़ नहीं हो रही है, जस्ट इन 15 मिनट्स या में आपका सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है। इवन के जो टाइम लिमिट दिया गया था वो अमाउंट का, वो भी क्योंकि रमज़ान के वजह से एक्सटेंड भी किया गया है अमाउंट को डिपॉजिट करने का, बैंक में डिपॉजिट करने की सेंटर्स ज़्यादा हो गए हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हो गई हैं जिससे कि आप जो अमाउंट है जो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं वो रिसीट घर पर ही निकालिए एंड देन आप उसको यहाँ पे सबमिट कर लीजिए। तो वेरी वेरी वंडरफुल प्रोसेस, दी सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप कर गया है और बहुत अच्छे से ही ये हो रहा है, इट्स इजियर फॉर ऑल दी हाजीज टू डू इट। बिहार के हज यात्री कोलकाता और गया एयरपोर्ट से जिद्दा के लिए रवाना होंगे, जिसको लेकर तमाम डॉक्यूमेंट और राशि को भी जमा कराया जा रहा है। बिहार हज कमेटी ने दावा किया है कि पहले से बेहतर यात्रियों को सुविधा मिलेगी और सरकार विशेष ख्याल रखेगी। रियाल जो मिलता था, हज कमेटी ऑफ इंडिया जो रियाल देती थी उसके विरुद्ध वो इंडियन करेंसी हज यात्रियों से लिया जाता था, और जितना इंडियन करेंसी लिया जाता था उसी के अनुपात में रियाल दिया जाता था, 2100 रियाल दिए जाते थे जो 40 दिन के उनके सऊदी अरब के आवासन के दौरान उपयोग में आते थे। अब वहाँ पर खाना खाना है, टैक्सी का किराया देना है और भी आकस्मिक कुछ आवश्यकताएँ हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति उसी रियाल से होती थी। इस बार ऐसा निर्णय हुआ है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया रियाल नहीं देगी और हज यात्रियों को ये आज़ादी होगी, स्वतंत्रता होगी कि वो जो बैंक हैं या जहां से उनको रियाल मिल सकता है, सरकारी जो संस्थान हैं वहां से अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता अनुसार वो अपना रियाल ले करके जाएंगे। पहले तो 2100 रियाल उन लोगों को दिया जाता था, अभी कोई ऐसा बाध्यकारी नहीं है। अगर कुछ हज यात्री अपना रियाल ले जाते हैं और यहाँ के जो अपने विदेशी मुद्रा से संबंधित जो नियम हैं उसके दायरे में हैं तो लोग अपनी इच्छा अनुसार वो रियाल ले करके जाएंगे। अभी एक पत्र प्राप्त हुआ है हज कमेटी ऑफ इंडिया का कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इस बारे में चर्चा हुई है कि सारे इम्बार्केशन पॉइंट्स पे हज यात्रियों को रियाल उपलब्ध कराने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहयोग करने के लिए तैयार है और इसके विषय में आवश्यक अभी कुछ मुझे लग रहा है कि तैयारी की जानी है। ये कार्डलेस ये कैशलेस की भी व्यवस्था कुछ की है नई प्रावधान? ये पहले से भी व्यवस्था रही है, पहले से भी लोग ट्रेवल कार्ड लेकर के जाते थे और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो काउंटर लगता था वहाँ से कुछ लोग लेकर के जाते थे, लेकिन उसमें सारे जो हज यात्री हैं वो कैशलेस कार्ड या जो ट्रेवल कार्ड्स हैं उसको उपयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं। जो गांव देहात के हज यात्री हैं उनके लिए ज़्यादा सुगम होता है कि वो अपनी आवश्यकता अनुसार रियाल ले कर के जाएँ और उसका उपयोग वो वहाँ पे करें। कितने लोग जाएंगे इस बार का? इस बार लगभग 5640 हज यात्री बिहार से हज यात्रा पे रवाना होंगे। क्या कोई तैयारी है आप लोगों की? पूरी तैयारी है, यहाँ से गया से भी पूरी तैयारी है, कोलकाता से भी तैयारी चल रही है और विभिन्न स्तरों पर अभी हमारी मीटिंग होंगी, सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन होगा और कलकत्ता से भी, कोलकाता से भी और गया से भी हज यात्रियों को जाने में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं। कब से
उसके लिए सारी तैयारियाँ हम लोगों की शुरू हो चुकी हैं। हज यात्री यहाँ पे आएंगे उनके आवासन के लिए, फिर यहाँ से गया इम्बार्केशन पॉइंट तक जाने के लिए अच्छी वॉल्वो एयर कंडीशन बसें, ये सारी व्यवस्था हमारी हो रही है। हज यात्रियों की यहाँ पे आवासन के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। आप देख रहे होंगे कि पूरे हज भवन को रिनोवेट किया जा रहा है और इसको और ज़्यादा सुंदर बनाया जा रहा है और हाजियों के लिए और ज़्यादा सुगम बनाने के लिए पूरी प्रयास। हज यात्रा 21 मई से शुरू होने की संभावना है और 20 जून तक ये चलेगा। अब हमारी जो हज यात्रा है, राज्य के हज यात्रियों की हज यात्रा किस दिन से शुरू होगी वो अभी तय नहीं हुआ है।